हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, और वो अपडेट ये है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि अब आप लोग अपने फॉर्म में ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैंने एक वीडियो बना के आपको अपडेट दी थी, यानी कि लगभग 3 से 3:30 बजे के समथिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो करेक्शन पोर्टल है वो आज यानी कि 11 फरवरी 2022 को शाम तक ओपन हो जाएगा। प्लस मैंने आपको नोटिस भी दिखाया था और ऐसा ही हुआ, यानी कि लगभग 20 से 25 मिनट पहले जो आपका करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, मगर कुछ ही छात्रों का ओपन हुआ। अभी हम आपको बताएंगे किन छात्रों का करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि करेक्शन पोर्टल ओपन हो चुका है, जहां से आप लोग अपने फॉर्म में ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में। सो गाइज, अब मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको करेक्शन करने के लिए करना क्या है, आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। वहां पे आपको सर्च करना है sarkarijobfind.com, इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप करेक्शन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं, यानी कि प्री मैट्रिक का, पोस्ट मैट्रिक का एंड अदर देन इंटर का। यानी कि यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आपका फॉर्म किस कैटेगरी का है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या फिर अदर देन इंटर। यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर रिन्यूअल कैटेगरी का। तो यहाँ पे आपको सिंपली रिन्यूअल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसा कि आपका रजिस्ट्रेशन संख्या हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड नीचे फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि आपका जो फॉर्म है वो किस तरह का शो हो रहा है, यानी कि करेक्शन पोर्टल कहां से ओपन हुआ है। सो गाइज, जो हमारा फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में ग्रीन लाइन का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आवेदन पत्र की स्थिति चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे को सिंपली नीचे आना है करेक्शन के लिए। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर मैं चाहूँ तो इस पर क्लिक भी कर सकता हूँ, मगर मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, मगर आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि अगर आप एक बार इस पर क्लिक कर देते हैं और फाइनल सबमिट कर देते हैं तो फिर दोबारा से करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना तो आप बैक आइएगा, फाइनल सबमिट मत करिएगा, और आपको अलर्ट रहकर बिल्कुल करेक्शन करना है अपने फॉर्म में, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सर, हमने भूल से फाइनल सबमिट कर दिया और हमने करेक्शन नहीं कर पाया, तो अब वो लोग करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको काफी सावधानी से इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवेदन पत्र को संशोधित करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि करेक्शन पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। और ये जो है, मैं आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके दिखा रहा हूं, यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप लोग एक बार अपना फॉर्म लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म में जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हुआ है, यानी अभी सिर्फ रिन्यूअल कैटेगरी के छात्रों का ओपन हुआ है, जैसा कि मैंने देखा है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, यूपी स्कॉलरशिप का जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, यानी कि रिन्यूअल कैटेगरी के छात्र अपने फॉर्म में अब ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। अभी फ्रेश कैटेगरी का ओपन नहीं हुआ, जैसे ही ओपन होता तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, यानी कि जिन छात्रों का मैंने चेक किया है वो सिर्फ अभी रिन्यूअल कैटेगरी के हैं। फ्रेश कैटेगरी के छात्रों को मैंने चेक किया, उनके में अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, यानी कि रिन्यूअल कैटेगरी के छात्र अपने फॉर्म में ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। मगर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन करने के बाद उसकी जो हार्ड कॉपी है वो कॉलेज में जरूर जमा करिएगा। अगर आप लोग जमा नहीं करते तो ऐसे में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, यानी कि फॉर्म करेक्शन के बाद दोबारा से फॉरवर्ड किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और करेक्शन काफी सावधानी से करिएगा। मैं इस पर वीडियो भी लेके आऊंगा कि फॉर्म में किस तरह से करेक्शन करना है। अगर आप लोग चाहते हैं करेक्शन करना तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग वीडियो का भी वेट कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर लिए, क्योंकि वहां पे भी हम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।